नमस्कार, बीसी न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। नगर के राट रोड स्थित शंकर बैंकेट हॉल में क्लब का 10वां स्थापना दिन मनाया गया। वरुणा सक्सेना को पुनः डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट 311 की ESO संध्या गुप्ता व विशिष्ट अतिथि CMO डॉक्टर उषा सिंह रही। इस दौरान CGR नर्मिता सेठ, ISO मनीषा बाजपेयी ने उरे कल्याणी के गत वर्ष के कार्यों की सराहना की एवं कोविड काल में निरंतर किए गए समाज सेवा की विशेष कार्यों के लिए टीम की प्रशंसा की। मुख्य अतिथि संध्या गुप्ता ने कहा कि इनवेरल के सफल 50 वर्ष पूरे होने के साथ आगामी सत्र की थीम पिंक फोर्स के द्वारा महिलाओं के विकास एवं उन्मुखीकरण के लिए काम करेगी। CMO उषा सिंह ने कहा कि इनवेरल क्लब द्वारा कोरोना काल में विशेष कार्य किए गए। मरीजों के परिजनों को खाने के साथ साथ पानी की उत्तम व्यवस्था कर सामाजिक कार्य की नींव डाली। इस दौरान क्लब की प्रेसिडेंट अरुणा सक्सेना, वाइस प्रेसिडेंट ज्योति गुप्ता, सेक्रेटरी सुधा पाल, ISO साक्षी महेश्वरी, कोषाध्यक्ष उषा सेठ, ज्वाइंट सेक्रेटरी अपरजिता लोधी, एडिटर वंदना श्रीवास्तव, ZPC सुमन गिरहोत्रा, चार्टर्ड प्रेसिडेंट नीलम श्रीवास्तव, चार्टर्ड सेक्रेटरी श्वेता शर्मा, शालिनी निगम, शोभना निगम, एग्जीक्यूटिव मेंबर सीमा गिरहोत्रा, प्रीति गिरहोत्रा, शशि महेश्वरी, सरोज गुप्ता, आराधना गुर्जर, सदस्य डॉक्टर रचना श्रीवास्तव, मनीषा सक्सेना, संतोषी, अनुराधा, ज्योति, आरती, निधि सिन्हा, डॉक्टर रश्मि गुप्ता, डॉक्टर साधना सक्सेना, मनीषा द्विवेदी, रुचा, जया श्रीवास्तव, सरोज अग्रवाल, स्मिता अग्रवाल, कुसुम सक्सेना, मंजू रावत, उषा निरंजन, किरण सेठ, प्रियंका सेठ, रजनी सेठ, अंजलि रावत, कुसुम सक्सेना, संतोषी उपस्थित रहे। BCN न्यूज के लिए सुधीर राणा की रिपोर्ट। यूपी के हमीरपुर जिले में लव जिहाद का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक मुस्लिम युवक द्वारा एक हिंदू नाबालिग युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसका यौन शोषण करते हुए जबरन धर्मांतरण करने की कोशिश की गई। किसी तरह युवती ने अपने परिजनों को पूरे मामले की जानकारी दी तो परिजन पीड़िता और हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ताओं के साथ ACP कार्यालय पहुंचे और SP से शिकायत के बाद युवक पर कार्रवाई की मांग की। फिलहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए SP ने आनंद फानंद में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। अपने बुजुर्ग बाबा और पिता के साथ SP कार्यालय हमीरपुर के बाहर बैठी यह वो पीड़िता है जो पहले लव और जिहाद का शिकार हुई, फिर उस पर दबाव बनाकर यौन शोषण किया गया और अब उससे जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था, लेकिन किसी तरह हिम्मत कर उसने पूरे मामले की जानकारी अपने घर में दे दी तो परिजन पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए SP ऑफिस की चौखट में आ पहुंचे, जहां वो अपने साथ हुई हैवानियत को खुद बयान कर रही है। ये एक लड़की के पिता ने अभी 4-5 दिन पहले दरख्वास्त दिया था कि एक लड़का उसको परेशान करता है, दूसरे जिले का है, महोबा जिले का है, और उस पर जांच हो रही थी। उसके बीच में लड़की ने फिर दरख्वास्त दिया कि ये बात गलत है और ऐसी कोई बात नहीं है, पैसे के लेन देन का मामला है। आज फिर उसके पिता लड़की को लिवा के आए, दरख्वास्त दिए उसके खिलाफ, लड़के के खिलाफ, तो उस दरख्वास्त मैंने FIR का आदेश कर दिया है और थाना मौदा में FIR लिखी जाएगी। बीच में लड़की के घर वालों ने लड़की को घर से हटा दिया था थाने पर ले आके कि हम नहीं ले जाएंगे इसको, उसको वन स्टॉप सेंटर पे रखा गया था लड़की को, ये कहा गया। सर कोई इसमें धर्म को लेकर के भी हम बता रहे हैं, लोगों का आरोप है कि धर्म परिवर्तन करना चाहता है, वो दूसरे धर्म का है, वो धर्म परिवर्तन करना चाहता है लड़की का, और इसलिए जो है ये आपत्ति है और संबंध बनाने का आरोप है उसमें, तो इसकी विवेचना हो जाएगी तो उसमें पता चल जाएगा। बीच में ये घटनाक्रम रहा कि लड़की को घर वालों ने भगा दिया घर से, वो थाने पर ले आकर रख दिए, थाने पर SDM साहब ने प्रस्तुत करके उसको वनास्तु स्टाफ सेंटर में रख दिया गया। आज ये लोग लड़की को लिवा के आए हैं, प्रार्थना पत्र दिए हैं, उनके प्रार्थना पत्र के आधार पर मैंने FIR का आदेश कर दिया, थाना मौदा पर FIR लिखी जाएगी, विवेचना में जो भी मिला जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राम जतन। आज एक मामला लव जिहाद का आया, क्या मामला? कोठवे साहब वो कह रहा था कि मैं तुम्हारी लड़की को लेकर के मुस्लिम बनाऊंगा और मोटरसाइकिल में तुम्हारे दरवाजे से घुमाऊंगा, और कह रहा था कि अगर एक गिर गिर करोगे तो साले तुमको भी मारूंगा, और मैं 6-7 महीना से यही देख रहा हूँ। उसके घर उड़ान देने गया, उसके माँ बाप भाई बोले जाओ अपनी लड़की को संभालो,
मैं बोला भाई हमारे गांव में ना हो, तो वो बोल रहा था कि आएगा, तो कल ना हो तो कल लेना। क्या नाम था लड़के का? लड़के का नाम था सानू, सानू और सरीन। पिताजी का नाम था मिरवा, और बहुत बहुत धमकी दे रहा था। अभी मेरी लड़की अभी अभी तक मैं घर नहीं गया, आज 10 दिन हो गया डर के मारे। इधर उधर रिश्तेदारी में पड़ा रहता, पुलिस उसको कोई ध्यान नहीं दे रही। ये लगभग कितने दिन से परेशान किए थे बच्ची को? बच्ची को कम से कम 7-8 महीना हो गया। अच्छा। जब मैं देखा जाल में फंसाया, मैं उसको कहा कि भाई गरीब आदमी हो ऐसा मत कर यार, बोले मैं मुस्लिम बनाऊंगा। प्रेम जाल में फंसा था, प्रेम जाल में फंसा लिया था। बोले मुस्लिम बनाऊंगा और तुम्हारी यही खोपड़ी में घुमाऊंगा, अल्लाह अल्लाह चिल्लाएगी। मैं बहुत आज मौदा थाना आए हुए हैं, तो आप यार दर्ज हुई? हाँ दर्ज हुई, उसमें लब जिहाद नहीं लगा। तहरीर में आपने दिया हुआ दिया। क्या नाम है? आशीष सिंह नाम है, बजरंग दल का पूर्व जिला संयोजक। क्या मामला हुआ है? मामला ये कि पूरे देश में जो एक षड्यंत्र चल रहा है लफ्ज़ जिहाद का, जो पूरे भारत में पैर पसार चुका है, उसी षड्यंत्र के तहत मौदहा में भी एक बहुत बड़ा रैकेट काम कर रहा है। इसके पूर्व में ही मौदहा में लफ्ज़ जिहाद की बहुत बड़ी घटना हो चुकी है। उसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में लफ्ज़ जिहाद का कानून पारित किया है। इसी तरह का एक मामला हमारे संज्ञान पे आया है कि एक बेटी को जबरन धर्म परिवर्तन कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, उसको धड़ाया धमकाया जा रहा है कि वो अपना धर्म परिवर्तन करके हिंदू से मुसलमान बन जाए। इसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। हम मांग ये करते हैं कि कम से कम जो इस तहरीर मुकदमा कायम हुआ है, लेकिन उस मुकदमे पर लफ्ज़ जिहाद का जो कानून है, जो लफ्ज़ जिहाद की धारा है, उसको नहीं लगाया गया। हम ये मांग करते हैं कि लफ्ज़ जिहाद की जो धारा है उसको इसमें बढ़ोतरी करके ऐसे आरोपियों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। इसके साथ साथ इनके पीछे जितने भी षड्यंत्रकारी हैं जो लफ्ज़ जिहाद के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं, जहां तक कि मेरा मुझे संज्ञान पे है कि इसका जो मुख्यालय है पूरे देश में जो चल रहा है, पूरे विदेश में चल रहा है, इसका मुख्यालय जो बना हुआ है बांग्लादेश के ढाका शहर पर इसका मुख्यालय बना हुआ है, और भारत में इसका जो केंद्र बना के रखा हुआ है ये केरल में इसका एक केंद्र बनाया हुआ है, जो एक लफ्ज़ जिहाद पूरा एक षड्यंत्र के तहत ये काम किया जाता है, ताकि इसमें जो है जो इस टाइप के लोग होते हैं, मवाली टाइप के लोग, उनको पैसा दे करके हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए ये पैसा दिया जाता है। पैसा दे करके हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया जाता है। इसके साथ साथ 10 से 15 बच्चे पैदा करके यहाँ पर जो भारत की जो मूल संस्कृति है उसको नष्ट करने के लिए एक कुचक्र रचा जा रहा है। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो, और लफ्ज़ जिहाद करने वालों पर जो हिंदू माँ बहन बेटियों पर गलत निगाहें डालते हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। भारत में षड्यंत्र जिस तरह का चल रहा है, इस षड्यंत्र को समाप्त करने की जरूरत है। और तत्काल इससे साथ साथ ही मैं और लोगों से आह्वान करता हूँ कि अगर कोई भी ऐसा प्रकरण आता है जिसमें लफ्ज़ जिहाद का प्रकरण आता है, हम लोगों को सूचित करिए, हम लोग उचित कार्रवाई के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है और आपके भाई बन के आपके साथ देंगे। क्या नाम है आपका? राम मनोहर निषाद नाम। पीड़िता के कौन हैं आप? हम सूखा लगते हैं। अच्छा, क्या मामला हुआ? मामला ये है कि ये 2 तारीख से थाने में प्रार्थना पत्र दिया गया कि ये लड़की को 6-7 महीना से लड़का जो शारीरिक संबंध बनाए हुए है, और उसके घर वालों से भी कहा गया, उलहना दिया गया, लेकिन घर वालों ने गाली गाली दे के भगा दिया। लेकिन ये कह रहा था सानू सलीम कि मैं इससे मुस्लिम हिंदू धर्म से परिवर्तन कराकर मुस्लिम धर्म अपनाऊंगा और शादी कर यहीं रहूंगा। हम लोगों ने लफ्ज़ जिहाद की धारा जो है लगाने के तहरीर में दिया है, लेकिन उन्होंने लफ्ज़ जिहाद की धारा नहीं लगाई है, और खुलेआम 2 तारीख से 7 तारीख को कप्तान साहब को दिया। कल जब दिया गया कप्तान साहब को, हिंदू संघ के पांडे जी गए और बजरंग दल के गए, तब उन्होंने इसको कहा कि हम मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, तब हमारी मुकदमा कायम किया गया। और जो है अभी मामला हमीरपुर जिले के मौदा कोतवाली क्षेत्र का है, जहाँ रहने वाली एक नाबालिग युवती ब्रह्मचारी इंटर कॉलेज खन्ना में पढ़ने के लिए जाती थी। इस दौरान यहाँ रहने वाले एक मुस्लिम युवक शानू और उस सलीम द्वारा उसे अपने प्रेम जाल में फांस लिया और उसकी अश्लील फोटो खींचकर जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगा, जिसके भनक जब परिजनों को लगी तो वो लड़की के साथ कोतवाली मौदा पहुंची, लेकिन पुलिस ने उनकी कोई मदद नहीं की, जिसके बाद उन्होंने हिंदू वाहिनी की मदद लेते हुए पूरे मामले की जानकारी एसपी को दी।
पीड़िता और उसके परिजनों की शिकायत के आधार पर एसपी ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने के आदेश दिए थे, लेकिन मौदा कोतवाली में एफआईआर दर्ज तो हुई मगर दर्ज मामले पर लव जिहाद की धाराएं नहीं लगने से परिजनों में आक्रोश व्याप्त है। अब परिजन अनशन की बात कर रहे हैं। बीसीएन न्यूज के लिए हमीरपुर से रमाकांत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक की मौत हो गई और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। इस पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। पुलिस ने इस मामले में आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। घटना बरसिटी थाना क्षेत्र के पलटूपुर गाँव की है। यह घटना 16 तारीख को हुई थी, जिसका लाइव वीडियो वायरल हो रहा है। ये थाना बरसठी के पलटूपुर गांव में दोनों पक्ष सोनकर हैं, जिसमें एक अभिषेक सोनकर है जिसकी उम्र लगभग 27-28 वर्ष होगी। मारपीट में इसको चोटें आई थी, इलाज के लिए बरसठी से इसको जो है मणियाहू भेजा गया था, जहां पर इसकी मृत्यु हो गई है। 2-3 लोगों को और चोटें आई हैं और दूसरे पक्ष के भी 9 लोग थाने पर बैठे हैं, उनको भी हल्की फुल्की चोटें हैं। विवाद केवल इस बात को लेकर के हुआ कि मृतक ने दूसरे पक्ष बाउल सोनकर हैं उनका मोबाइल ले लिया है, इसी पर मारपीट हो गई और जिसमें उसकी मृत्यु हो गई है। कुछ टोटल कितने लोग घायल हैं? इसमें मृतक पक्ष से उसकी मृत्यु के अलावा 3 लोग और घायल हैं और जो अभियुक्त पक्ष है उसकी तरफ से भी 2-3 लोग छोटे हैं। बीसीएन न्यूज के लिए जौनपुर से ऋषभ तिवारी की रिपोर्ट। जनपद महोबा के शहर कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर बाजरिया में दबंगों ने बच्चों की विवाद के चलते युवक को लाठी डंडों से पीटकर लहूलुहान कर दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जनपद महोबा के सदर कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर बाजरिया मुहाल में अपराधियों के हौसले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। मामला शहर कोतवाली के फतेहपुर बाजरिया पुलिस चौकी अंतर्गत का है, जहां पीड़ित युवक ने बताया कि मामूली बच्चों का विवाद था, जिसके चलते वहां पर मोहल्ले का युवक अजमेरी बसीम साहिल और कुछ अन्य लोग साथ में आए। सभी लोग शराब के नशे में थे और एकाएक अयूब के द्वारा तमंचा निकालकर सभी लोगों ने एकाएक लाठी डंडे से हमला कर दिया। पीड़ित का आरोप है कि बीच बचाव में आए परिजनों से भी दबंगों ने जमकर मारपीट की और घरेलू महिलाओं से भी अभद्रता की। पीड़ित युवक खून में लथपथ हो गया और जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। लाठी डंडों से हुए इस हमले में पीड़ित दोनों भाइयों के सिर पर गंभीर चोट आई। आनंद फानंद में परिजनों द्वारा जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पीड़ित की हालत स्थिर बनी हुई है। फिलहाल पीड़ितों ने दबंगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए शहर कोतवाली व महिला थाने में शिकायत पत्र दिया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। जी, हमारे चाचा लोग बैठे थे बाहर तख्त पे और ये लोग आए, गाली गलौज करने लगे, दारू पिए थे अयूब और अजमेरी, और हमारे चाचा को वहीं पे मारा और हमारे छोटे चाचा को ही मारा, सर फट गया। वो तो आप देख सकते हैं कि हॉस्पिटल में है अभी प्रेजेंट टाइम पे, बोतल चल रही है उनको। अजमेरी अयूब और साहिल और वसीम, इनके दोनों अजमेरी के दोनों लड़के, ये सब लोग कहाँ के निवासी हैं? बजरिया के। अच्छा, तो क्यों मारा? क्या कोई पर्सनल मामला था या किसी प्रकार? नहीं, ये लोग दारू ड्रिंक के नशे में आए और चाचा से थोड़ी बहुत बातें करी और मारने लगे। क्या यहाँ पे आपने कहाँ पर प्रार्थना पत्र दिया है? हमने को बजरिया चौकी में दिया, प्लस कोतवाली में दिया महिला। बीसीएन न्यूज के लिए महोबा से नितिन नामदेव की रिपोर्ट। जनपद हापुड़ के बाबुलगढ़ नगर पंचायत क्षेत्र के गांव काकोड़ी में डॉक्टर आशीष जाखड़ एवं शुभम जाखड़ ने अपनी माता स्वर्गीय विनीता सिंह के जन्मदिवस के अवसर पर गांव की जनता को निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अपने गांव में एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आने वाले लोगों की कोरोना जाँच की। डॉक्टर आशीष जाखड़ ने कैंप के दौरान महिलाओं से संबंधित रोगों की जांच करते हुए महिलाओं को स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई, जबकि उनके अनुज भाई डॉक्टर शिवम जाखड़ ने पूर्व संबंधी सभी बीमारियों के लिए स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराते हुए लोगों को चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई। इस दौरान आसपास के गाँव के लोगों को भी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराते हुए हजारों लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराते हुए दवाइयों को भी निःशुल्क वितरण किया गया तथा प्रत्येक मरीज को मास्क एवं सैनिटाइजर भी निःशुल्क उपलब्ध कराया गया।
कैंप के दौरान जहां ग्रामीणों में भारी उत्साह दिखाई दिया तो वहीं अपने बच्चों की सेवा से परिजन भी काफी खुश नजर आए। इस दौरान दोनों डॉक्टरों के चाचा पूर्व प्रधान देवेंद्र जाखड़ ने कहा कि बच्चों द्वारा किया गया प्रयास बहुत ही सराहनीय कार्य है। इस कार्य से जहां ग्रामीणों को जहां स्वास्थ्य सेवा मिलेगी तो वहीं कोरोना संक्रमण जैसी महामारी से भी छुटकारा पाने में सफलता मिलेगी। एक बुजुर्ग ग्रामीण राजवीर सिंह से इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने भी गाँव के बच्चों के इस कार्य को बहुत ही सराहनीय कार्य बताया। इस दौरान जिला पंचायत सदस्यपति महेश बाल्मीकि, जाहिर सलमानी, पूर्व मंत्री मदन चौहान, कुलदीप चौधरी सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। जी आज जो है मेरी मदर का जन्मदिन है। आज 2-3 साल पहले उनका देहांत हो गया था किसी समय से, तो उनकी याद में उनके जन्मदिन पे मैं पूरे गाँव वासियों के लिए यहाँ पे फ्री चिकित्सा कैंप लगा रहा हूँ। किसी भी दवाई का, टेस्ट का, जाँचों का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा किसी से। और क्योंकि मेरा अपना गांव है तो मैं और मेरे चाचा के लड़के जो उन्होंने डॉक्टर हैं भाई, हम यहां पे गांव में कैंप लगा रहे हैं। अच्छा, काम आगे भी करते रहेंगे आने वाले टाइम में। ये कैंप कितने दिन रहेगा? ये फिलहाल आज के लिए ही है, 1 दिन का कैंप है, लेकिन आने वाले टाइम में 3-4 दिन का कैंप हम लगाया करेंगे। सिकंदरपुर काकोरी गाँव में कैंप लगाया जा रहा है। इसमें मेरे भाई के बेटे हैं डॉक्टर आशीष जाखड़ और डॉक्टर सोम जाखड़, उन्होंने मिलकर के ये कैंप लगाया है। और ये कैंप जो डॉक्टर आशीष जाखड़ हैं, उनकी मदर की डेथ हो गई थी, आज वो अवतरण दिवस पर आज अपनी मदर के यादगार में उन्होंने अपनी तरफ से ये कैंप लगाया है। इससे गांव के लिए ये कैंप लगा है। गांव में जो बीमारी लोगों को है उसके बारे में वो दवाई दे रहे हैं और सलाह दे रहे हैं, और लोग उससे सराहनीय काम बता रहे हैं जो गांव के लोग हैं। और मैं भी बहुत खुश हूँ इस बात से कि उन्होंने एक सराहनीय काम किया है अपनी मम्मी की यादगार में। ये बहुत अच्छा काम किया है कि जो अच्छा। लगभग कितने लोगों को इसका लाभ मिलने की आपको वो है? देखिए गाँव में अब तक जो 500-600 लोगों को ये दे चुके हैं। सुबह 8 बजे से ही ये इनका ट्रीटमेंट चल रहा है और दवाई दे रहे हैं, लिख रहे हैं और मास्क दे रहे हैं। COVID-19 की वार्ता को रखते हुए उसका भी ध्यान रखा गया है। और गांव के लोग काफ़ी खुश हैं इस बात से कि ये डॉक्टर आशीष कुमार जाखड़ ने काफ़ी अच्छा काम किया है, एक सराहनीय काम है। उससे हमारा पूरा परिवार बहुत ही खुश है और मैं चाहूँगा कि भविष्य में भी ऐसा ही काम होता। अच्छा, आज ये तुम्हारे काकोड़ी में ये चिकित्सा शिविर लगाया गया है, क्या मामला है और इससे कितना लोगों को लाभ मिला? ये हमारे जो डॉक्टर आशीष जी हैं उन्होंने अपनी मम्मी की याद में लगाया है, उनका जन्मदिन था। अच्छा। वैसे हजारों लोग अभी दवाई ले चुके हैं, बहुत अच्छा चल रहा है। और इस समय हमारा जो कोविड की टेस्टिंग भी चल रही है इसके साथ साथ। अच्छा, जैसे ये कोरोना की चल रही है, इससे कितना गांव को लाभ मिलेगा? इससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि एक्चुअल में है क्या कि हमारे गांव में केसेस तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम टेस्ट कराने, कोई ऐसा मामला मिलता है तो हम उसकी डॉक्टरी कराएंगे। BCN न्यूज के लिए हापुड़ से अनिल कश्यप की रिपोर्ट। आइए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। बहुचर्चित नेमावार हत्याकांड को लेकर गोंडवाना गणतंत्र की न्याय यात्रा पहुंची नेमावर। राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलेश्वर सिंह मरकाम, बलवीर सिंह तोमर सहित कई आदिवासी नेता हुए शामिल। पिछले दिनों नेमावार में हुई जघन्य हत्याकांड के पीड़ितों को इंसाफ दिलाने को लेकर न्याय यात्रा में जनसैलाब नेमावार पहुंचकर पुलिस प्रशासन व शिवराज सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कई आरोप भी लगाए। वह प्रशासन व सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि 10 अगस्त तक नेमावार हत्याकांड को लेकर CBI द्वारा जांच के आदेश नहीं दिए गए तो मध्य प्रदेश के साथ साथ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी देश भर में जहाँ जहाँ पर भी प्रभाव रखती है वहाँ पर रेल रोको, जेल भरो व विधानसभा का घेराव करेंगी। गौरतलब रहे कि कलेक्टर ने विगत दिनों देवास जिले में धारा 144 लगाने के बाद भी हजारों की संख्या में न्याय यात्रा में जनसैलाब उमड़ा था। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा के निर्देशन में चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल नेमावार में तैनात था। पूरे मामले को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के शीर्ष नेता बलवीर सिंह तोमर व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट में।
रिलेटेड था, लेकिन कहीं ना कहीं उसको भी खत्म किया गया है, क्योंकि उसके और वो बच्ची के बीच में जो मोबाइल की रिकॉर्डिंग और जो भी था वो पुलिस के पास है, लेकिन पुलिस उन चीजों को भी ओपन नहीं कर रही है। पुलिस को पक्का पता था ये उसमें था। तो हमें आभास है इस प्रकरण में, जैसे हमने जो नाम दिए अजय हथेलोग और भाजपा के जो है दो एजेंट हैं, दो जो है RSS के एजेंट हैं, तो जो इस प्रकार करीबन 21 लोग उस प्रकरण में है, अगर CBI जांच होती है तो इसमें जो आशीष शर्मा जिन्होंने स्थानीय जो विधायक हैं उन्होंने जो पुलिस के ऊपर दबाव बनाया वो सामने सब कुछ खुल के आ जाएगा। और मैं कहता हूँ आशीष शर्मा विधायक को भी इसमें जो है पुलिस सहारोपी बनाए। और ये 21 लोग बचे घूम रहे हैं, आप इतना बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं लोकल विधायक के ऊपर, आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस है जिसके आधार पर एक जनप्रतिनिधि के ऊपर आरोप? मैंने अगले ज्ञापन में जो हम लोगों ने ज्ञापन अगले 5 तारीख को दिया था, मैं मीडिया के माध्यम से आपको बताना मीडिया लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो ज्ञापन दिया था हमने उसमें लिखा था जैसे CDR वगैरह जो मोबाइलों की निकाल ली जाए सब कुछ सामने आ जाएगा, बाकी फिर मेरे ऊपर जो अगर ना सामने आए तो बलबीर के ऊपर जो भी आरोप प्रशासन द्वारा लगाए जाए जो भी धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करें उनको स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। सर CBI जांच की मांग आप कर रहे हैं, हाँ। लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि सरकार आपको लेकर कोई गंभीर नहीं? अगर सरकार करती है तो हमने आज 10 तारीख को घोषणा की, 10 तारीख को विधानसभा घेराव और मध्य प्रदेश और देश में जहां जहां गोंडवाना गणतंत्र पार्टी प्रभाव रखती है वहां पर रेल रोको अभियान और जेल भरो अभियान हम लोग चालू। CBI की जांच नहीं होती है तो क्या अगला कार्यक्रम रहेगा? CBI की जांच नहीं होगी तो हमने आपको बताया ना कि सीधी सीधी जेल भरो अभियान, विधानसभा घेराव और रेल रोको अभियान। ठीक सर, पूरे देश को धन्यवाद। कांड को लेकर आज इनकी यहाँ न्याय यात्रा थी, इनकी कुछ मांग जिसमें एक CBI जांच और पीड़ित परिवार को सुरक्षा और इसमें आरोपियों को फांसी की मांग थी, जो कि जब चलान पेश होगा तो फास्ट ट्रायल कोर्ट में हमने बताया है कि इसकी पूरी ट्रायल चलेगी और जल्दी से जल्दी हम भी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले ऐसा हमने प्रावधान किया है। जो इनकी CBI जांच की मांग थी उन्होंने बताया है कि हम शासन प्रशासन को इसका प्रस्ताव भेज देंगे और निर्णय जो है वो इस तरह के मामलों में ऊपर वाले ही निर्णय करते हैं, ये हमने इनको बताया। सर आज पासपोर्ट एक्ट की भी मांग की गई सर इनकी तरफ? वो सब विवेचना का हिस्सा है, जैसे ही वो तथ्य साबित होंगे सिद्ध होंगे तो उस तरह की कार्रवाई उसमें कर दी जाएगी। धारा 144 का भी उल्लंघन देखा जा रहा है, इसका हम परीक्षण करा लेंगे और अगर इसका उल्लंघन हुआ है तो उस हिसाब से हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। देखिए हमारा तो एक सीधा कहना है कि यदि इसमें न्याय नहीं होता है, नेवार की जो घटना हुई है छोटी घटना नहीं है, दुर्लभ घटना है और हम इसमें कहते हैं कि इसमें बड़े लोग शामिल रहे हैं, यहाँ तक कि थाना जो भी कार्रवाई तक हुई है, थाना प्रभारी को हमें लगता था कि साहब बनाया जानते थे, SDP SP बड़े अधिकारी जो थे जिनसे बड़ी लापरवाही विभागीय कार्य मतलब किया जाना चाहिए था, हुआ नहीं है। हम ये चाहते हैं कि इसमें अगर कोई कार्यवाही CBI जांच की मांग नहीं होती है, न्यायिक जांच की मांग नहीं होती, तो हम कोर्ट तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हाई कोर्ट भी जाएंगे और मामले को स्टैंड करेंगे। तो सर ये अभी जो फिलहाल की स्थिति में जो पूरा स्टैंड चल रहा है कहीं ना कहीं उग्रता दिख रही है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पूरे आंदोलन में? नहीं, इसको उग्रता नहीं कर सकते, ये एक आक्रोश जरूर है, पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हिंसात्मक कभी नहीं हुई, एक आक्रोश रहा है। शैली में जरूर ऐसा रहा है कि जब हम अपने 5-5 लोगों को जब खोते हैं तो ये मानव प्रवृत्ति ही है, हम गुस्से में आएंगे, गुस्से में बहुत सी चीज़ को उग्रता दिखता है। अगर हम उग्र होते तो हमने कोई ट्रेन आज तो खड़ा नहीं, कहीं कोई आग लगाया नहीं। आज तो हम निवेदन करते हैं, हमने पहले भी अपने स्पीच में कहा कि इस देश में दो तरह के आदिवासी हैं, कुछ बस्तर में खड़े हैं और कुछ संविधान को लेकर यहाँ तक खड़े हैं, तो जो भी कुछ कर रहे हैं केवल आक्रोश है। पर हम चाहते हैं कि यदि शिवराज जी को लगता है कि उनके लोग साफ सुथरे हैं, उन्हें CBI से कोई डर नहीं, CBI जांच का देना चाहिए, और अगर नहीं हुई तो? नहीं हुई तो हम रोड से कोर्ट तक, रोड से कोर्ट तक। BCN न्यूज के लिए खातेगांव से कैमरा पर्सन अजय ध्रुवी, सहयोगी संवाददाता महेश वारीवा के साथ अरुण उइके की रिपोर्ट। BCN न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।